दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ये जो कहावत है ना मेरे भाई, वो बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। तो भाई क्यों ये कहावत अजय देवगन के ऊपर फिट बैठ रही है, चलिए इसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। और इस कारण को सुनने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि भैया ये अच्छा फैसला लिया जा रहा है अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इस ईद पर भैया दो बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड की कल सिनेमा घरों में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कर रही है। एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान, तो दूसरी फिल्म है अक्षय कुमार और बागी टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बज काफी स्ट्रांग बना हुआ था, लेकिन इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद तो भाई अब ये बातें मिथक लगने लगी हैं कि भाई जो भी फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होती है उन फिल्मों को ईद के मौके पर जबरदस्त ओपनिंग मिलती है। और भाई इसी सोच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को सिनेमा घरों में रिलीज किया और अजय देवगन ने अपनी फिल्म मैदान को रिलीज किया। लेकिन भाई इन लोगों की फिल्मों को जो झटका मिला है ना कल बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद, तो भैया इन कलाकारों की आंखें खुल गई होंगी कि भाई इस डेट पर हमें अपनी फिल्मों को रिलीज करना ही नहीं चाहिए। यानी कि भैया ऐसा कहते हो भैया दिमाग में उनकी बात आ गई होगी। अब देखिए बड़े मियां छोटे मियां को अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं मिल रहा, मैदान को अगर अच्छा कलेक्शन नहीं मिल रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? क्या इन दोनों फिल्मों को, क्या ये दोनों फिल्में इतनी वाहियात हैं कि भैया इन दोनों फिल्मों को इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था? तो भैया अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों फिल्में अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म की बात करें तो भैया इस फिल्म का जो जोनल है वो एक्शन ड्रामा और उसके साथ भैया कॉमेडी वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। इस फिल्म की कहानी अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, ये फिल्म आपका दिल जीतने में कामयाब रहेगी। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया मैदान की, तो भैया मैदान की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इस फिल्म में तो अजय देवगन ने जो परफॉर्मेंस किया है उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर इन दोनों फिल्मों को अच्छा कलेक्शन नहीं मिला तो हम लोग कैसे कहें कि भैया ईद पर अगर कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? तो भाई अब अजय देवगन को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है उनकी आने वाली अगली फिल्म को लेकर, जो कि भैया 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो भाई 15 अगस्त का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात ठनक गई होगी कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर वो जानकारी फाइनली हम लोगों के सामने आने लगी है, जिसको लेकर मैंने ये बात आप लोगों से पहले ही कही थी कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होगा इस फिल्म के साथ में। अब देखिए हाल फिलहाल में ही इस फिल्म का मुकाबला यानी कि अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म यानी कि सिंघम के पार्ट थर्ड का मुकाबला जिस फिल्म से होने वाला है यानी कि भैया झुकेगा नहीं भाव यानी कि अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म पुष्पा के पार्ट टू के साथ, तो भाई उसका जब टीजर हम लोग के सामने आया था ना उसको देखते ही इस फिल्म के मेकरों की आंखें खुल गई होंगी कि भैया अगर इस फिल्म के साथ अगर हम बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करते हैं तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। और भाई जब अजय देवगन की फिल्म मैदान को बॉक्स ऑफिस पर ईद के मौके पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अक्षय कुमार की फिल्म के साथ भिड़कर, तो भाई अजय देवगन ने भी ये सोच बना ली होगी और रोहित शेट्टी के साथ मिलकर ये मीटिंग कर डाली होगी कि भाई कुछ तो करो। और फाइनली सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई इस फिल्म के मेकर, इस फिल्म से जुड़े हुए लोग ये बात करने लगे कि इस फिल्म का जो VFX का काम जो है वो लगता है कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस फिल्म के सिनेमाघरों में आने तक। यानी कि भाई वही पुराना चूरन कि अभी इस फिल्म का जो पोस्ट का काम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से इस फिल्म का जो रिलीज डेट है उसे बदला जाएगा। और फाइनली अब सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म अब 15 अगस्त को सिनेमाघरों में ना रिलीज होकर अब ये फिल्म दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई चलिए ये गॉसिप तो हम लोगों के सामने आ गई है और ये गॉसिप मुझे ऐसा लगता है कि भाई 101% सही भी साबित होगी, क्योंकि भैया मुझे नहीं लगता है कि रोहित शेट्टी और
अजय देवगन अपनी इस फिल्म का मुकाबला पुष्पा के पार्ट टू के साथ करवाना चाहेंगे, क्योंकि भैया पुष्पा के पार्ट टू का जो बज है वो काफी ज्यादा है भैया सिंघम के पार्ट थर्ड से। यानी कि भैया पुष्पा का इंतजार पूरी इंडियन जनता बहुत ही बेताबी से कर रही है। तो भाई इस बार कुल्हाड़े पे पैर मारने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन को तो झटका मिल चुका है मैदान के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा कि भैया जो सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर मैं ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि भैया ये फिल्म अब दीपावली के सुवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो भैया इससे इस फिल्म को फायदा होगा ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक टाइप करना ना भूलिएगा और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।